हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे और आपके अपने चैनल द बुक ऑफ पॉइंट यूट्यूब पे चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। पहला पार्ट आपने देखा था जिसमें हमने 20 वर्ड कवर किए थे, आज आइए हम 30 वर्ड देखते हैं। आपका सपोर्ट बहुत मिल रहा है इसलिए हम इनकरेज होकर आपके लिए नए नए वीडियोस ला रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर, पहला वर्ड है इलास्टिक। पहला वर्ड है इलास्टिक। इलास्टिक मतलब होता क्या है? लचीला। को रिलेट हम करेंगे इलास्टिक राइम लाइका प्लास्टिक। इलास्टिक राइम लाइका प्लास्टिक। और प्लास्टिक जो होती है माय डियर लचीली होती है, तो इलास्टिक मतलब लचीला। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अबडिकेट। अबडिकेट मीन्स होता है त्यागना या छोड़ना। अबडिकेट मीन्स होता है डियर त्यागना या छोड़ना। को रिलेट हम करेंगे अब हमको काम करने में दिक्कत है तो हम उस काम को त्याग देंगे या छोड़ देंगे। हमें अब पढ़ाने में दिक्कत है तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे या त्याग देंगे। तो अब डिकेट मतलब अब दिक्कत है तो हम इस काम को त्याग देंगे। नेक्स्ट माय डियर मोरी बंद। माय डियर नेक्स्ट वर्ड है आपका मोरी बंद। को रिलेट हम करेंगे मोरी सांसें बंद होने वाली हैं मतलब हम मरने वाले हैं। तो मरणासन का सेम यही मतलब होता है, मरने के कगार पे होना या मरने की स्थिति पे होना। नेक्स्ट वर्ड है डियर परसी मनी। पर्सी मनी मतलब होता है कंजूसी। को रिलेट हम करेंगे कोई आदमी पर्स से मनी नहीं निकाल रहा है तो हम बोलेंगे ये आदमी बड़ी कंजूसी दिखा रहा है। नेक्स्ट है डियर आपके पास वर्ड लेबोरियस। लेबोरियस को अगर हम को रिलेट करें तो लेबोरियस मीन्स होता है मेहनती या परिश्रमी, इंडस्ट्रियस जिसे आप बोलते हो। तो लेबर लोग जो वर्कर लोग रहते हैं माई डियर वो क्या होते हैं? मेहनती या परिश्रमी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है वायलिन। वायलिन मतलब डियर होता है राम पैंड यानी उग्र, हिंसक जिसे आप बोलते हो। तो मेरे भैया देखो वायलेंट एक आर राजकुमार यानी रोमियो राजकुमार का एक डायलॉग था, तू साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, मतलब मैं उग्र हो जाऊंगा, मारपीट करने लगूंगा। तो वायलेंट को उसी डायलॉग से याद करेंगे तो साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, मीन्स डियर मैं उग्र हो जाऊंगा, मारपीट करने लगूंगा। अगला वर्ड हमारा है रिवरेंस। रिवरेंस रिवरेंस मतलब मेरे भैया होता है पश्चाताप यानी कंपंशन। रिवरेंस मतलब पश्चाताप। को रिलेट करेंगे रिवर से। रिवर का नाम लेते ही गंगा माँ का नाम आता है और नदियों का हम लोग बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। तो रिवरेंस मतलब होता है बाबू का, रिवरेंस मतलब पश्चाताप नहीं डियर, रिवरेंस मतलब होता है सम्मान। रिवरेंस मतलब सम्मान। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट मतलब होता है अप्रचलित या पुराना, आउट ऑफ डेट। अब देखिए अब सोले मूवी क्या हो गई है? पुरानी हो गई है। अब सोले मूवी क्या हो गई है? पुरानी हो गई है। अब गांव वगैरह का सीन नहीं दिखाया जाता, सोले मूवी बहुत पुरानी हो गई है, 60-70 साल हो गए। तो अब सोले मूवी क्या हो गई है? अप्रचलित हो गई है, पुरानी हो गई। अब्सर्डिटी मतलब होता है डियर रेडिकुलस यानी बेतुकापन। अब ध्यान से अगर आप देखें बेतुकापन होता है तो अब सर्दी गर्मी के महीने में कोई बच्चा कहे कि अब हमें सर्दी लग रही है तो सारे लोग कहेंगे बेतुकापन भरी बातें कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है सेरेनिटी। सेरेनिटी मतलब होता है डियर शांति। सेरेनिटी मतलब होता है शांति। याद देखें कैसे करेंगे, शेरनी को देखते ही शेर क्या हो जाता है? एकदम शांति रूप धारण कर लेता है, या शेरनी को देख के शेर शांति शांति बनाए रखता है, ऐसा कुछ याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड भैया आपका सर्कुअस। सर्कुअस मतलब होता है डेवियस यानी सरपेंटाइन, घुमावदार। रिलेट हम करेंगे सर्कस। सर्कस में आप देखोगे मौत का जो कुआं होता है डियर वो घुमावदार ही तो होता है, तो सर्कुअस मतलब होता है घुमावदार। नेक्स्ट वर्ड है टाइटेनिक। टाइटेनिक मतलब होता है गिगेंटिक यानी विशाल या बड़ा। टाइटेनिक मूवी भी एक हॉलीवुड की आई थी। टाइटेनिक मूवी जो बनी थी डियर वो एक टाइटेनिक जहाज के नाम पे बनी थी और उस समय जो टाइटेनिक जहाज बनी थी विश्व की सबसे विशाल या बड़ी जहाज थी, इसीलिए वहां से ये वर्ड आया टाइटेनिक मतलब विशाल या बड़ा। मंगल। मंगल मतलब होता है बाबू बिगाड़ना, कोई चीज खराब कर देना। तो मंगल पांडे अंग्रेजों के प्लान को हमेशा बिगाड़ देते थे, तो मंगल को मंगल पांडे जिसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सैगासियस। तो बाबू सैगासियस मतलब होता है प्रूडेंट यानी बुद्धिमान। तो जैसा कि हमने पिछले स्लिप में एक वर्ड प्रूडेंट सिखाया था उसी के ये सिनोनिम है। तो डॉक्टर कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं साग सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ, साग खाओ, इससे बुद्धि आती है यानी हम बुद्धिमान हो जाएंगे। तो साग सब्जी खाने वाले लोग बुद्धिमान हो जाते हैं। नेक्स्ट
कैमरा डिराइड ईयर होता है दोस्त या सखा जिसे बोलते हो, या सहपाठी भी बोला जा सकता है। तो कमरा यानी रूम में हम किसके साथ रहते हैं बाबू? जो हमारा दोस्त रहता है। तो कैमरा डिराई मतलब दोस्त या सखा या सहपाठी। सैवरी मतलब डियर होता है लसियस, जो कि पिछली स्लिप में हम पहला वर्ड सिखाए थे। लसियस मतलब स्वादिष्ट, सैवरी मतलब भी स्वादिष्ट। इसको याद कैसे करेंगे? सबरी के बैर जूठे थे पर मीठे थे, सबरी के बैर जूठे थे पर मीठे थे, तो सैवरी मतलब स्वादिष्ट या मीठा हो जाएगा। अगला वर्ड हम लोगों के पास है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब कमी या अभाव। तो हम रिलेट करेंगे इस कार की, इस BMW कार की इस सिटी इलाहाबाद में क्या है? कमी या अभाव है। तो इस कार की यानी इस BMW कार की इस सिटी में क्या है? कमी या अभाव है। नेक्स्ट थर्ड ईयर इस मदर का मतलब होता है एक ऐसी माँ। आप लिख लें, आप स्पेस नहीं था इसलिए हमने लिखे इस मदर, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे का गला घोट के हत्या कर दे। इस मदर एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे का गला घोट के हत्या कर दे, तो डियर मदर आ ही रहा है। तो इस मदर एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे का गला घोट के हत्या कर दे। नेक्स्ट सिलेंडर मतलब डियर होता है आलोचना करना। सिलेंडर मतलब क्रिटिसाइज करना होता है, मींस आलोचना करना होता है। तो रिलेट करेंगे सिलेंडर को, रिलेट करेंगे भैया गैस सिलेंडर का दाम बढ़ते ही अपोज लीडर जो होते हैं, अपोजिशन की जो सरकार होती है, सरकार के जो अपोजिशन के लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? सिलेंडर यानी इस गैस सिलेंडर का दाम बढ़ते ही लोग आलोचना करने लगते हैं कि इनकी सरकार में गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया। नेक्स्ट है इस कैंटी मतलब भी कमी अभाव, यानी हम बाबू बोल सकते हैं इस कार सिटी और इस कैंटी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो इस कैंटीन को कैसे याद करेंगे? इस कैंटीन में इसका सामान की क्या हो गई? कमी या अभाव हो गया। इस कैंटीन में इस सामान की कमी या अभाव हो गया। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है मैरियार्ड मतलब अनगिनत होता है, इनफाइनाइट होता है। दो बार ये वर्ड आया, एक बार ऑप्शन में था जिलियन और एक बार ऑप्शन में था अलार्ज नंबर। माय डियर जितने भी वर्ड ये लिखे हैं 30 है, जितने भी मैं वर्ड आपको कराने वाला हूँ, एक एक वर्ड SSC और बैंक का बहुत ही फेवरेट वर्ड है। आप अगर कहीं भी क्वेश्चन किए हैं या प्रैक्टिस किए हैं तो आपको लग रहा होगा कि सारे वर्ड कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर किसी वर्ड में आपको लगता है कि आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, गूगल में सर्च मारिए, सारे वर्ड एग्जाम के पूछे गए हैं। तो देखिए भैया मैरियार्ड को कैसे याद करेंगे? माई मतलब मेरा या मेरी, री मतलब री, याद मतलब याद। मेरी याद उन्हें दिन भर में अनगिनत बार आती है, तो मेरी याद उन्हें दिन भर में अनगिनत बार आती, तो ऐसा रिलेट करेंगे। मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य, जिसे अपरिहार्य बोलते हैं, जिसे ऑब्लिगेटरी बोलते हैं। तो मैन के लिए डॉक्टरी यानी मैन के लिए हॉस्पिटल बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। हर दिन कोई ना कोई बीमार हो रहा है, मैन के लिए डॉक्टरी हॉस्पिटल बड़ी जरूरी है। तो मैंडेटरी मतलब अनिवार्य या जरूरी। नेक्स्ट वर्ड है पेनेंस मतलब होता है भैया पश्चाताप। पेनेंस मतलब पश्चाताप यानी कंपनसेशन होता है। तो देखिए पेन का एक अंश टूट जाने के बाद हम लोग पश्चाताप करते हैं। पेन है, हम लोग मेज वगैरह पे खटपिट करते रहते हैं, बॉल इसका निकल जाता है, 3 रुपए का पेन खराब हो जाता है। तो पेन का एक अंश एक भाग टूट जाने पे पेन खराब हो जाता है, तो हम लोगों को पश्चाताप होता है कि ऐसा न किए होते तो शायद पेन न खराब होता। तो पेन का एक अंश टूट जाने के बाद हम लोगों को पश्चाताप होता है। नेक्स्ट वर्ड है डियर काउ टाउ मतलब होता है रिस्पेक्ट यानी सम्मान। तो ये KOW को भी काउ पढ़ेंगे और COW को भी काउ पढ़ेंगे, राइम दोनों की सेम है। तो अगर हम काउ की बात करें गाय को, तो गाय हम बोलते हैं, गाय हमारी माता है और माता का हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं। तो काउ टाउ मतलब डियर हो गया सम्मान। अगला है डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, हताशा या उदासी। तो किसी का भी पेयर टूटेगा तो आदमी निराश होगा, हताश होगा, चाहे आदमी का पेयर हो, चाहे आपका सोज वगैरह कहीं खो जाए, किसी भी चीज का पेयर टूटने पे वो आदमी निराश या हताश होगा। तो पेयर मतलब जोड़ा, डिस मतलब ब्रेक होना, तो किसी का पेयर टूटेगा तो आदमी उदास हो जाएगा। सर्टोरियल मतलब डियर होता है दर्जी, ये वन वर्ड के सेक्टर का वर्ड है सर्टोरियल। तो जो शर्टों को रियल में जो सीता है वही तो है दर्जी। रियल मतलब वास्तव, शर्टों मतलब शर्टों को, जो शर्टों को रियल में सीता है उसे हम दर्जी बोलते हैं। फिर है डियर इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब पाखंडी होता है, चार लैटन होता है, हाइपोक्राइट होता है। तो आई एम मतलब मैंने,
और पोस्टर मतलब पोस्टर, मैंने एक पोस्टर देखा आसाराम बाबूजी का, और आसाराम बाबूजी कैसे आदमी है, पाखंडी है, ऐसा कुछ को रिलेट करते हैं। सबैटिकल, सबैटिकल यानी सब बातें कल, सबैटिकल सब बातें कल, तो बाबू आज लेता है बाकी सब बातें कल करेंगे, मतलब आज के लिए छुट्टी या अवकाश, तो ऐसा कुछ रिलेट करेंगे कि सब बातें अब हम कल करेंगे, सब बातें हम कल करेंगे, यानी आज क्या है, अवकाश है या छुट्टी है। नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब इंजूरियस होता है, हानिकारक। डेट्रीमेंटल के साथ प्रीपोजिशन टू लगती है, जैसे हम बोले स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ, या हम ये भी बोल सकते हैं ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आर डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। तो डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक। तो माय डियर, डॉक्टरी में जो मेंटल होते हैं, यानी डेट्रीमेंटल यानी डॉक्टरी में हॉस्पिटल में जो मेंटल पागल होते हैं वो हानिकारक होते हैं, हंसते रहते हैं, हंसते रहते कम मार दें कोई भरोसा नहीं, तो डॉक्टरी के जो मेंटल पागल होते हैं वो हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट है डियर मस्टिकेट, ये भी वर्ड सीजीएल 2016 में पूछा गया है। मस्टिकेट मतलब होता है चबाना, च्यू करना, ना कि काटना। डियर बाइट भी ऑप्शन में था, च्यू भी ऑप्शन में था, तो च्यू लगाने का चबाना होता है। तो हम छत में अपने बैठे थे, मम्मी ने पूछा आप क्या कर रहे हो, मैं बोला मम्मी मैं चने चबा रहा हूँ, तो मम्मी ने कहा और कौन है, मैंने कहा बिल्ली है, तो मम्मी ने पूछा बिल्ली क्या कर रही है, मैंने कहा बिल्ली भी चने चबा रही है, तो मैंने कहा मस्ती से बिल्ली चने को चबा रही है। तो माय डियर मस्ती से कैट यानी मस्ती से बिल्ली चने को चबा रही थी, तो ऐसा कुछ को रिलेट करके डियर हम याद कर लेंगे सारे वर्ड। यकीन मानिए, भरोसा रखिए, सारे वर्ड चाहे वो 50,000 हों, चाहे 1,00,000 हों, चाहे वो SSC के हों, चाहे NDA के हों, चाहे CDS के हों, चाहे आपके बैंक के हों, वर्ड कहीं के नहीं होते, कहीं का वर्ड कहीं भी पूछा जा सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके वर्ड पावर में कमांड करिए आप। वर्ड पावर जिस दिन आपका तैयार हो गया, नॉन ग्रामेटिकल सेक्शन तैयार हो जाएगा। माय डियर प्रेजेंट टाइम का आप डाटा देखिए, SSC बैंक का पेपर उठाइए, तो आप देखेंगे 70-80% सिर्फ बुकैब और नॉन ग्रामेटिकल का गेम है। ग्रामर बहुत ही कम पूछी जाती है, ग्रामर भी मैं लेके आने वाला हूँ, बहुत जरूरी है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, कोर है जो हमारे एग्जाम का, उसको पकड़िए आप। वर्ड पावर तैयार करिए, नॉन ग्रामेटिकल तैयार करिए, उसके बाद आप ग्रामर में लगिए। तो बहुत बहुत आप लोगों का थैंक्स।